दोस्तों, पृथ्वी में इस समय इंसानों का राज चल रहा है, लेकिन करोड़ों साल पहले इसी पृथ्वी पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था, जिसे हम मेसोजोइक एरा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आप ये नहीं जानते होंगे कि दुनिया में डायनासोर से पहले भी कई सारे खूंखार जीव हुआ करते थे जो डायनासोर से भी खतरनाक हुआ करते थे। आज हम उन्हीं जीवों के बारे में जानेंगे जो डायनासोर से पहले धरती पर हुआ करते थे। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो हमारी डायनासोर से पहले के जीवों के ऊपर सेकेंड पार्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद उसे ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं हमारा चैनल फैक्ट एडवेंचर्स हिंदी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस एपिसोड को। लिलियन स्टर्नस। दोस्तों, ये जीव लगभग 22 करोड़ साल पहले पृथ्वी में लेट ट्रियासिक पीरियड के दौरान पाया जाता था। ये एक मांसाहारी जानवर था। ये जीव स्मॉल थेरापॉड डायनासोर के स्पीसीज में आता था। इसकी लंबाई करीब 5 मीटर से 10 मीटर के आसपास हुआ करती थी, और ये फ्रांस और जर्मनी में पाया जाता था। इनका वजन लगभग 200 किलो तक होता था। मेलानोरोसॉरस। दोस्तों, ये जीव ब्लैक लिजार्ड के प्रजाति में आते हैं, और ये जीव पृथ्वी में करीब 22 से 23 करोड़ साल पहले पाए जाते थे। इनकी लंबाई करीबन 12 से 13 मीटर तक होती थी, और ये लेट ट्रियासिक पीरियड के दौरान हुआ करते थे। ये जीव शाकाहारी और मांसाहारी हुआ करते थे, और ये सॉरापॉड डायनासोर स्पीसीज में आते थे, और ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते थे। इसकी लंबाई जानकर आप बेशक समझ गए होंगे कि ये कितने खतरनाक रहे होंगे। डिमेट्रोडॉन। दोस्तों, डिमेट्रोडॉन करीबन आज से 27 से 29 करोड़ साल पुराने जीव हैं। इनकी लंबाई करीबन 4 से 6 मीटर तक होती थी, और इनका वजन 250 किलोग्राम तक हो सकता था। इनकी पीठ थोड़ी गोलाकार में उठी हुई होती थी, जिसमें से कांटे निकले होते थे, और ये मांसाहारी जीव थे। इनकी खोज 1870 में हुई थी, और ये नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के क्षेत्रों में पाए जाते थे। ये डायनासोर जैसे दिखते थे, लेकिन ये रेप्टाइल के प्रजाति में आते थे। क्वेट्जल कोटलस। दोस्तों, ये एक फ्लाइंग रेप्टाइल था, जिसे टेरासोर भी कहा जाता है। ये जीव उड़ने वाला डायनासोर था। इसकी लंबाई 13 मीटर होती थी, और ये क्वेट्जल कोटलस उड़ने वाला अब तक का सबसे बड़ा जीव था। ये एक मांसाहारी जानवर था, और इसका वजन 250 किलो तक होता था। ये उड़ने वाले डायनासोर जमीन में रहने वाले छोटे डायनासोर्स को अपना शिकार बनाते थे। ये क्वेट्जल कोटलस नॉर्थ अमेरिका के क्षेत्रों में रहते थे। डिप्लोडोकस। दोस्तों, डिप्लोडोकस लगभग 15 से 16 करोड़ साल पहले लेट की मेरिडियन पीरियड के दौरान पृथ्वी में मौजूद हुआ करते थे। डिप्लोडोकस की लंबाई 24 से 25 मीटर होती थी। इनके जीवाश्म सन 1877 में खोजे गए थे। इनका साइज 4 हाथियों के बराबर होता था, और 1991 में जीवाश्मों के खोजकर्ता डेविड जिलेट ने यह खोज निकाला कि इनकी लंबाई करीब 52 मीटर तक हो सकती थी, जो कि अब तक के खोजे गए सबसे लंबे डायनासोर एम्फिकोलियास, जिसकी लंबाई 30 मीटर होती थी, उससे ये डिप्लोडोकस बहुत लंबे होते थे। तो आप जान ही गए होंगे कि ये डिप्लोडोकस कितने खतरनाक रहे होंगे। दोस्तों, ये एपिसोड हमारा डायनासोर से पहले के जीवन के ऊपर पार्ट 2 था। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को ज़रूर देखें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सा जानवर खतरनाक लगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक करने के अलावा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे आपको हमारे इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों, हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ। अभी के लिए जय हिंद।